जनपद गोंडा की रहने वाली कोरियोग्राफर सुप्रिया यादव गोंडा जिले का नाम रोशन कर रही हैं। गोंडा शहर में संगीत साधना केंद्र में छोटे बड़े बच्चों को डांस का टिप्स सिखा रही हैं। डांस में रुचि रखने वाले होनहार लड़की लड़कों को निशुल्क डांस सिखा रही हैं। कोरियोग्राफर सुप्रिया यादव से खास बातचीत देखिए बेरो हामिद अली के साथ। जनपद गोंडा के ये बीचों बीच गोनार्ड होटल के पीछे ये यहाँ पे एक डांस स्टूडियो है, यहाँ पे चल रहा है। ये देखिए सुप्रिया यादव के जरिए चल रहा है, चलाया जा रहा है, बच्चों को डांस कंपटीशन सिखाया जा रहा है। डांस सिखाया, आजकल पढ़ लिख के बच्चे जो है किसी और में फील्ड में जा रहे हैं, मगर डांस का ये है बचपन से सिखाया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे डांस करते दिखाई पड़ रहे हैं, आपको दिखाना चाहेंगे, अंदर आइए। हम बात करते हैं यहाँ पर सुप्रिया यादव हैं जो मतलब डांस के उसमें बहुत ज़्यादा नाम कमा ली है। यहाँ पे देखिए ये सिखाया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है इनके द्वारा, और क्या क्या बताया जा रहा है हम जानने की कोशिश करेंगे हम इनसे जो इसके मेन हैं। देखिए मैडम थोड़ा सा समय दीजिए, घूम जाइए। क्या नाम है मैडम आपका? सुप्रिया यादव। सुप्रिया जी ये बताइए, आप बच्चों को डांस सिखा रही हैं, इस पर क्या चीज़ मेन चीज़ ज़रूरी है? डांस में तो सबसे ज़्यादा मेन ज़रूरी सॉन्ग होता है और एक्टिविटी होती है, जो बेसिक पार्ट होते हैं हमारे बॉडी के, उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है यहाँ पे। आपने कैसे फैसला लिया कि डांस ठीक है या और मतलब बहुत सी जॉब है, बहुत से लोग हर फील्ड में जाते हैं, कोई एयर होस्टल या मतलब ये मिलिट्री में जाता है, पुलिस में जाता है और बहुत डॉक्टरी लाइन में, आपका डांस आपने चुना है कैसे? देखिए अपनी अंदर की चीज़ें होती हैं, हमको डांस ज़्यादा पसंद था, इस वजह से हमने इस फील्ड को चूज़ किया। डांस लाइन में सभी लोग को दिखता है कि बहुत कम ही लोग सक्सेस होते हैं, तो मेरी भी कोशिश थी कि अगर कम लोग सक्सेस होते हैं तो उसमें हम क्यों नहीं आ सकते। ये सुना है कि एक अवार्ड आपको मिला है, क्या अवार्ड है वो? वुमेन्स अचीवमेंट अवार्ड 2022। अभी कितना आगे जाने की कोशिश है, आगे कहाँ तक गई है, कहाँ तक जाने की? अभी तो इंटरनेशनल डांस चैम्पियनशिप किया है मैंने, आगे अभी डांस कोरियोग्राफी कर रही हूँ, कोरियोग्राफी से वर्ल्ड डांस चैम्पियनशिप में भी मैंने अपना नॉमिनेशन क्लियर किया है और कोशिश में हूँ आगे और भी करने के लिए। फैमिली का सपोर्ट इसमें कैसा रहा, किस तरह से रहा? फैमिली का पूरा सपोर्ट है सर, क्योंकि पापा का जी हाँ बिल्कुल पूरा सपोर्ट है। भाई भी हैं आपके? जी हाँ, दो भाई और एक बहन है बड़ी। क्या कर रहे हैं? दीदी मेरी बैंक में जॉब करती हैं, बड़े भाई इंजीनियर हैं और छोटे भाई हेल्थ डिपार्टमेंट में हैं। उनको लग रहा है कि पर्दे पे आएंगी और डांस करेंगी, अच्छा लगेगा? मतलब किसी को ऐसा लगता है कि घर की लड़की जाए बाहर, नहीं अच्छा लगता है ऐसा? पहले नहीं अच्छा लगता था, सब लोग इसके अगेंस्ट थे कि हाँ आपको डांस नहीं करना चाहिए, क्योंकि डांस के फील्ड को या फिर किसी भी एक्टिंग के फील्ड को ले लिया जाए तो सब लोग गलत नज़रिए से देखते हैं, ये नहीं करना चाहिए, आप इससे अच्छा था घर में डॉक्टर हैं आप भी डॉक्टर बन जाओ, भाई इंजीनियर हैं इंजीनियर बन जाओ, दीदी बैंक में आप वही कर लो। ऐसा था मेरे घर में भी, लेकिन सबसे मैंने अगेंस्ट सबके अगेंस्ट होके डांस को चुना और आज इस फील्ड में हूँ कि सभी लोग प्यार कर रहे हैं। एजुकेशन में क्या है कि छोटे छोटे बच्चे सीख रहे हैं, आपके द्वारा सिखाया जा रहा है, या ये कितना पढ़ के जाएँ या ऐसे ही बचपन से सिखाया जाए, कुछ में है? जी अगर आप जितना भी सीख सकते हो, हमारी कोशिश है कि अभी मतलब डिस्ट्रिक्ट फिर स्टेट देन नेशनल इंटरनेशनल क्वालिफाई करवा के एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना कि पूरी इंडिया आपको जाने, कोशिश तो पूरी मेरी यही है। अभी ये डांस कॉम्पिटिशन कहाँ हुआ, कहाँ आपको अवार्ड मिला ये बताइए? ये मुंबई में हुआ था, अंधेरी ईस्ट में, ये ललित होटल करके था, वहीं पे हुआ था जी। अभी आप गोंडा में आई हैं, बच्चों को सिखा रही हैं, क्या कहना चाहेंगी छोटे बच्चों को जो मतलब इसमें आना चाह रहे हैं, रुचि लेना चाह रहे हैं, डांस में रुचि हो जिनकी, वो किस तरह से यहाँ पे आएँ? आपके यहाँ जो ये डांस स्टूडियो है इसमें किस नाम से है, क्या है? ट्रिपल एस डांस स्टूडियो नाम है और ये गोंडा में भी है, दो दो ब्रांचेज इसकी चलती हैं गोंडा में। आप आइए और हमारी पूरी आपको सपोर्ट रहेगी, जो भी करना चाहते हैं हम पूरा सपोर्ट करेंगे उनको, डांस फील्ड से रिलेटेड हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि जितना भी आप कर सकते हो उससे ज़्यादा ही हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे। ये लेडीज जेंट्स दोनों आ सकते हैं? जी हाँ, सभी, छोटे बच्चों से 3 साल के बच्चों से लेके आपकी जितना बस इच्छा होनी चाहिए डांस की, हम ज़रूर करवाएंगे। जैसे उनके पास इतना पैसा ना हो, अभाव, पैसे का अभाव रहे, उनके लिए क्या है?
अगर आप पैसा नहीं कर सकते हैं, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम है लेकिन उनका ड्रीम है कि वो करें या फिर एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाएं, तो मेरी पूरी कोशिश है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देने की। मैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगी और उन्हें एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे भी लेके जाने की पूरी कोशिश करूंगी। ये थी सुप्रिया यादव जी, जो जहाँ पे गोंडा में सिखा रही हैं, बच्चे को सिखा रही हैं और बड़ों को सिखा रही हैं, जो सीखना चाह रहा है, डांस में रुचि है जिसकी, उसको सिखा रही हैं और आगे भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जो सीखना चाह रहा है, आगे बढ़ना चाह रहा है, उसके लिए मदद भी करती हैं और करना भी चाह रही हैं, ऐसा इनका मानना है। मैं गोंडा से हामिद अली, कैमरा मैन तौफीक के साथ, लाइव न्यूज़ 18 गोंडा।